नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश गर्ग और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़। राष्ट्र न्यूज़ पर आज हम आपको उस शहीद सैनिक के परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 6 माह से लगातार विभिन्न सामाजिक सेवाओं में जुटे हुए हैं। शहीद मेजर मुस्पा के परिवार वाले क्या सोचते हैं, किस तरह से परिवार के साथ उनकी यादें रही है, किस तरह से हंसते हंसते उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, ये सभी बातें जानेंगे। नमस्कार रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र न्यूज़ का भी धन्यवाद जिसने आज ये नेक कदम उठाया है। मैं कहूँगी कि ये नेक कदम लोगों के बीच में इन चीज़ों का मैसेज ले जाने के लिए आपने पहल की। शहीद सैनिक के परिवार की काफ़ी कुछ यादें होती हैं, खासकर तो आप जो अटैचमेंट रखते हैं, अब युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज रहता है? मुस्तफ़ा शुरू से ही हेल्पिंग नेचर का था, अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित नहीं रखता था, चीज़ों को बांटना उसको पसंद था। या यूँ कहे कि हम बचपन में बच्चों को देखते हैं कि अगर वो बिस्किट भी खा रहे होते हैं तो किसी को देना कम पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मुस्तफ़ा अपने सारे बिस्किट सब में बांट ही दिया करता था अमूमन। और जैसे ही वो नौकरी में आया और उनके आसपास भी किसी दोस्त को या किसी भी आसपास में किसी की हेल्प की ज़रूरत थी तो उसने डेफिनेटली हेल्प की है। अगर आप ये कहें कि आप इतनी कॉन्फिडेंट से कैसे बोल रही हैं कि मुस्तफ़ा, तो जब अब बच्चा नहीं है और उसका अपने पास आता है, आजकल एक खाता बुक होती है जो बच्चा अपनी सारी चीज़ें उसमें रखता है कि मैंने क्या दिया है या क्या लिया है, तो मुझे उसमें ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बेटे ने सबको दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है कि कई अननोन लोगों के भी नाम मुझे नज़र आए। बातें तो बताता था कि मम्मा वो मिले थे और उनकी हेल्प मुझे करनी थी और मैंने उनको ये दे दिए हैं, और वो हिसाब निकलना और वो चीज़ आना, तो मैं एक बात कह सकती हूँ, मुस्तफ़ा हमेशा हेल्पिंग नेचर का रहा। टिल डेथ तक उसका ये था कि वो हमेशा हेल्प करता रहा। उसकी बचपन के से लेके अब तक का अगर आप ये मुझे पूछ रहे हैं तो सेवा ही उसकी एक जर्नी थी, और उस जर्नी में उसने तन मन और धन इन तीनों का त्याग दिया है। ये एक स्वरूप है उन चीज़ों के लिए कि हम धन दे देते हैं, मन दे देते हैं, लेकिन तन भी दे देना, देश के प्रति तन भी दे देना, तो ये मुस्तफ़ा ने हमें करके बताया है और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। लगातार सामाजिक सेवाओं में आप जुटे हुए हैं, आज 6 महीने का वक्त हुआ है, लेकिन मेजर मुस्तफ़ा जी को जो यादें हैं उनको आप समाज में लगातार बांटे जा रहे हैं, और हम जो 6 महीने के इस पीरियड में देखते हैं तो कभी भी आपने अपने आप को अकेला नहीं पाया। बेटे की जो ये वो यादें हैं वो हमेशा अपने पास रखते हुए आगे बढ़ रही हैं आप। मैं बेटे की यादें ही नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि बेटा भी मेरे साथ ही है। बस इतना है कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ वो अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, बस दिख नहीं रहा है। आवाज़ सुनने की बात है तो वो आप लोग जब मुझसे बात कर लेते हो तो मैं समझती हूँ कि मेरे बेटे ही मुझसे बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा की स्ट्रेंथ, मुस्तफ़ा का साथ तो मुझे अभी भी है, और लोगों के बीच में जाके उनकी बातों को बताना या बोलना, हाँ ये चीज़ हो ही रही है। और सच ये है कि उसकी जर्नी ही ऐसी थी, उसकी चीज़ें ही ऐसी थी कि मुझे कुछ नया बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अभी मुझसे बात करेंगे तो मैं वही बातें बताऊंगी जो हो चुकी है और होने वाली है, तो वो आप ही देख ही रहे कि अब तक की जर्नी के अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं। लोगों की अवेयरनेस करना और मोटिवेशन देना, चाहे मैम अगर आप कहें कि मोटिवेशन की बात करते हैं तो मैम अभी तो 6 महीने हुए हैं, आप ट्रोमा में हैं, बिल्कुल मैं अभी भी ट्रोमा में हूँ, लेकिन ये ट्रोमा मेरा अपना खुद का है, दूसरों के लिए नहीं है। वही कॉन्फिडेंस जो भी आप मेरी आंखों में और मेरी बातों में देख रहे हैं। एक ब्लड कैंप करने जा रही हैं और इस संडे को ब्लड कैंप होने जा रहा है, शहर के जाने माने एक मॉल में इसका आयोजन किया जाना है और उस दौरान सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, ये ब्लड कैंप पहला नहीं है, ये ब्लड कैंप दूसरा है। जैसे ही मुस्तफ़ा का इंसिडेंट हुआ था तो बोहरा यूथ समाज वालों ने भी अपनी तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। इस बार मुस्तफ़ा की जन्म जयंती है और उसकी जन्म जयंती को अगर अपन सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अगर देखें कि एक शहीद जो अब शहीद हो चुका है, हम सैनिकों की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, हम बॉर्डर पे गए हुए लोगों की बात करते हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो अभी कर ही रहे हैं, लेकिन एक शहीद जो अपनी जान इस देश के नाम कर चुका है उसको अगर श्रद्धांजलि देनी है तो
हम अपनी जान तो देश के ऊपर फिदा नहीं कर पाए, हमारी जान तो अभी भी हमारी जान में ही है, लेकिन हमारा खून उस शहीदों के नाम पर, सिर्फ दो बूंद खून उन शहीदों के नाम एक श्रद्धांजलि के रूप में अगर हम देते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी। और वैसे खून की अगर बात कही जाए तो किसी के दिल में यूं ही नहीं धड़का जाता। आप दो बूंद खून देख के तो देखिए, आपकी खून उसके रगों में बहेगी तो वो खून ही आपकी धड़कन होगा। तो डेफिनेटली आप खून दीजिए, सबके दिलों में धड़की है, ये मेरा नारा और यही मेरी बात। आप खून दीजिए और सबके दिलों में धड़किए, ये नारा आपका है। और यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन संगठन शामिल हो रहे हैं, देखिए शहर का जाना माना यूथ संगठन जिसे सेवा उदयपुर कहा जाता है, वह संगठन भी यहाँ सेवा देने के लिए उपस्थित रहेगा। समाज के जो लोग हैं वो खुद रहेंगे, इनके परिवारजन रहेंगे और ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। आप इस ब्लड कैंप में सहभागिता निभा सकते हैं। क्या मैसेज हैं, शहर के सभी लोग ब्लड डोनेट करने पहुंचे हैं, खासकर अभी भी लोगों में जागृति कमी है, क्या कहते हैं? नहीं, जहां तक मैंने जैसे ही ये सोचा कि मैं ब्लड कैंप करूंगी तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि मैम हम अपना ब्लड डोनेशन करेंगे। तो जहां तक मैं समझती हूं कि जागरूकता की तो कमी नहीं है, लेकिन एक लम्हे के लिए ये कहना कि यस इस प्रोग्राम में आके हम ब्लड देंगे, शायद इसकी अगर कोई कमी हो तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज ही अभी इसी वक्त इस चीज़ में अपनी ओथ लीजिए और अपना एक कहें कि इस प्रोग्राम में या मुस्तफ़ा के लिए एक श्रद्धांजलि, शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के लिए, तो अरवाना मॉल के अंदर हमने हाथीपोल 9 बजे का समय रखा हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप का। तो आप सब आइए और सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। डजन मुस्तफ़ा, सभी शहीद जो आज तक हमारे लिए अपनी जान दे चुके हैं, अगर हम उसकी जीवनी उनकी चीज़ें देखते हैं तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए, बहुत कुछ किया है, लेकिन हम उतना तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हीरे थे, वो चमकते हीरे थे जो आज भी आसमान में चमक रहे हैं। लेकिन उस आसमान में चमकते हुए हीरो को जब हम ज़मीन से देखते हैं ना तो वो हमें कहीं ना कहीं दिशा बताते हैं, कोई ना कोई चीज़ की जानकारी। जैसे आज कहते हैं ध्रुव तारा, अगर आप देखते हो ध्रुव तारा तो आपके एक दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारा यूं ही तो ध्रुव नहीं बना, उसने भी अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अहमियत, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई और हमें एक मैसेज दिया और हम उसी ध्रुव तारा की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं हमारा, ताकि हम किसी और का जीवन बचा सकें। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कई लोगों के काम आती है। किसके काम आएगी? ये वो पुण्य है जो उसके खून के अंदर जब जाता है और उसका खून बढ़ता है और वो भी डोनेट करता है, ये वो पुण्य है। जिस तरीके से आप एक पेड़ लगाते हो तो आपको पता नहीं है वो 30 साल बाद जब बड़ा होगा तब आप जिंदा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आम का पेड़ या किसी और चीज़ का भी छाया भी दे रहा है वो पेड़, उसका पुण्य आपको हमेशा मिलता रहता है। और खून भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उसको दी है तो आने वाली नस्लों में वो आपको पुण्य का कार्य करता है। इसलिए कहते हैं कि रक्तदान महादान, इसलिए उसको महादान कहा गया है क्योंकि वो एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ियों तक आपके खून का अंश उसमें रहता है और आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों तक उसका पुण्य मिलता है। तो मैं पुण्य कमाइए, शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। कई सारे सवाल हैं लेकिन एक सवाल दर्शकों को आज आपके ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में शहीद दिवस आता है, हम उस दिन कुछ गाने गुनगुना देते हैं, कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं और एक श्रद्धांजलि दे देते हैं। वक्त समाज में उनकी जो कार्य हैं, उनकी प्रेरणा हैं, उसको सींचने का है युवा पीढ़ी के लिए, और ये जो सवाल है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? युवा पीढ़ी को सच में इन लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो उन लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। आप किसी से भी इंस्पायर हो रहे हो उसके कुछ अंश आपको जानने ज़रूरी होते हैं। युवा पीढ़ी अगर आज कहें ना क्विक डिसीज़न में बिलीव करती है कि अब मेरे पास रास्ता नहीं है, इस चीज़ को या इस ज़िंदगी को मैं ख़त्म कर लूँ। अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी और चीज़ें हमको यहीं फेस करनी पड़ती है। बच्चे एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ जाके ये सोचते हैं कि अच्छा मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ या IIT की तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है और अपने जीवन को मैं ख़त्म कर दूँ। खड्डा तो आप खोद चुके होते हैं, मैं जहाँ तक कहूँगी कि खड्डा मतलब कि आपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए उस खड्डे में उस चीज़ को आप अंदर की तरफ डीप में जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नीट का एग्ज़ाम ही क्रैक करें, ज़रूरी नहीं है आप IIT को ही क्रैक करें। उस खड्डे को अगर उसमें नहीं निकल पाते तो उस खड्डे को नींव बना डालिए,
और एक अपनी नई मंजिल तय कीजिए। यकीन मानिए, आप अगर उस खड्डे को खड्डा ना समझकर अगर नींव समझेंगे तो एक नई जिंदगी, एक नई इमारत आपके सामने होगी। यही मेरे युवा साथियों से मैसेज है कि अपने लाइफ में आने वाली चीज़ों के लिए ब्रेकर ना समझिए, यूँ समझिए कि नई अचीवमेंट मेरे साथ आ रही है, कुछ नया मुझे करना है, यही जोश और यही बात रखिए। पिछले करीब 10 मिनट से मैं फातिमा जी से बात कर रहा हूँ और इस घर में आकर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं सही परिवार के घर में हूँ, वो इस घर में देखने को मिल रहा है। मुस्तफ़ा का अगर ये कहें तो जन्म वैसे पास में यहाँ से 40 किलोमीटर एक खेरोदा गांव है, वहाँ से वो जन्म स्थान तो वैसे उसका उदयपुर ही है क्योंकि यहीं वो पैदा हुआ था, इसलिए जन्म स्थान अगर कहेंगे तो उदयपुर है, लेकिन खेरोदा से वो था और अपनी फोर्थ क्लास तक की, चौथी कक्षा तक की पढ़ाई उसने उदय शिक्षा मंदिर से की थी और वहीं से पढ़ते हुए उन्होंने फिफ्थ से सेवन्थ तक उसने भिंडर में फिर पढ़ाई की और सेवन्थ के बाद एट्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास उसने यहाँ से सेंट पॉल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। और अगर उदयपुर की उसकी जर्नी की अगर बात करें तो एट्थ क्लास से उसकी शुरू हो चुकी थी, 1995 का उसका बर्थ है और उसने 2012 में अगर ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया था तो उसने एट्थ में जब एडमिशन लिया था तो वो मात्र 13 साल का था, कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। और संघर्ष की बात कहें तो यस, वो मात्र 4 रुपये बचाने के लिए, क्योंकि अगर सूरजपोल से सेंट पॉल तक ऑटो आता है तो उस वक्त 4 रुपये लगते थे, तो कभी कभी वो अपने 4 रुपये बचाने के लिए पैदल ही सूरजपोल से सेंट पॉल स्कूल तक चला आता था कि आज मेरे 4 रुपये बच जाएंगे तो मुझे बस में काम आएंगे। संघर्ष उसने खूब किया, ट्वेल्थ में उसने बहुत अच्छे नंबरों से उसने पास किया, उसने IIT के लिए भी अपना सब कुछ करा, वहाँ पर भी उसका सिलेक्शन करीब हो चुका था, विल्लोर यूनिवर्सिटी में उसका हो चुका था, मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका भी एडमिशन के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई वहाँ से वो एडमिशन ले सकता है, साथ साथ उसके SSB कॉल भी आया था। देश सेवा में भेजने का जो है वो कैसे डिसाइड हुआ और फातिमा जी के दिमाग में ये कैसे आया कि वो देश सेवा ही करने के लिए बेटा तैयार है? जी नहीं, अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बात मेरे दिमाग में आई थी, ये बात मुस्तफ़ा के दिमाग में आई थी कि उसको देश सेवा करनी है। मैंने तो बस आज जो कर रही हूँ, हिम्मत, मैंने वही हिम्मत उस वक्त भी बताई और मैं आज भी वही हिम्मत बता रही हूँ कि जब वो SSB के लिए गया और उसका इंटरव्यू वहाँ से क्रैक हो गया और तब उसने देखा कि सम्मान क्या चीज़ है, उसको वहाँ जाके पता लगा कि आर्मी में सम्मान का एक जो दर्जा है वो बहुत ही ऊंचा है। और जब वो वापस आया तो अपना एक फैसला मेरे सामने सुनाया कि मामा मुझे आर्मी में जाना है, और आर्मी मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है आर्मी की चीज़ें होती क्या है, वहाँ पर किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, या मैं ये नहीं कहती कि मेरे पीढ़ियों में कहीं कोई आर्मी में रहा था तो मुझे नॉलेज था, ना ही बोहरा समाज से किसी दूर दूर से इस बात की किसी के पास इस बात की जानकारी थी। जब उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आर्मी में जाना है तो मैंने कहा बेटा अश्योर कि आपको आर्मी में ही जाना है, तब उसने मुझे एक बात कही थी कि मम्मा आप जानते हो कि मैंने इंजीनियरिंग की सारे लेवल अच्छे तरीके से कोर्स कर लिए हैं, मैं इंजीनियर अगर बनता हूँ तो लाखों रुपए कमाऊँगा अच्छे पैकेज, क्योंकि पढ़ने में मैं होशियार हूँ, चीज़ें कुछ न कुछ तो मैं ज़िंदगी में अचीव कर ही लूँगा और लाखों रुपये कमाऊँगा, लेकिन एक बात है मम्मा कि आपको हर दूसरे घर में एक इंजीनियर मिल जाएगा लेकिन आपको हर एक घर, हर दूसरे घर या हर पांचवें घर में एक आर्मी मैन नहीं मिलेगा, और मैं वही बनना चाहता हूँ, मैं पैसे तो नहीं लेकिन आपके लिए सम्मान की बात ज़रूर छोड़ के जाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि ये शब्द उसने मुझे क्यों बोले या उसकी डेस्टिनी ये थी इसलिए उसने मुझे ये बात बताई, मैंने हमेशा उसका सहयोग किया, उसकी हर एक बात को अप्रिशिएट किया, हाँ मैंने कंधे से कंधा मिलाया, माँ थी, डर तो लगा ही मुझे, डर ये था कि मेरा बच्चा इस चीज़ को कर पाएगा कि नहीं, बोहरा समाज का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धर्म गुरु का रहमो करम है कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से निकलती है, हमारी किसी भी चीज़ में हमको दिक्कत नहीं आती है, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स कुवैत वगैरह होते हैं, मामा वगैरह कुवैत है तो नाना दादा सभी इस तरीके से रहे हैं, तो वो बच्चे को शायद मैं कहूँगी कि इंडिया की चॉकलेट से भी रूबरू नहीं होना पड़ता है, तो इंडिया की फीलिंग्स लाना उस बच्चे में, तो ये मेरे लिए नहीं, ये मुस्तफ़ा में ही अपने आप ही इनबिल्ट था वो, कि उसके लिए देश प्रेम, देश की बातें और देश का जज्बा तो उसमें था ही कि मुझे देश के लिए करना है, ये सम्मान, ये चीज़ें जो है वो मुझे लेनी है, ये मेरी डेस्टिनी है।
जब वो एनडीए गया तो शायद मैं इकलौती पेरेंट्स थी, या मैं कहूँगी अब तक की शायद एनडीए की जर्नी में मैं इकलौती ऐसी थी जो उसके पास हमेशा पहुँच जाती थी, हर एक छुट्टी पर पहुँच जाती थी। और वहाँ पर सभी ऑफिसर्स मुझे कहते थे कि मैम आप इतना क्यों आ जाती हो, लेकिन मुझसे मेरे बच्चे से दूर नहीं रहा जाता था, मैं उसको देखने पहुँच ही जाती थी कि बस एक महीने से ज़्यादा मैं नहीं रह सकती, तुम्हें देखे बिना मैं आ जाती हूँ। और जब वो एनडीए में था तभी उसने अपना मानस बना दिया था कि मैं एविएशन में जाऊँगा। उसका फील्ड तो आर्मी था ही, उसको एयरफोर्स नहीं मिला था विज़न की वजह से, लेकिन उड़ना तो वो चाहता ही था। तो आर्मी में भी आके उसने एविएशन चुना और इत्तेफाक से उसको आईएमए में एविएशन ही मिला, परमानेंट एविएशन मिला। फील्ड में उसने 2 साल वर्क करने के बाद, जब उसका एविएशन था इसलिए एविएशन की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी था, तो 1 साल दोबारा उसकी ट्रेनिंग हुई, जो ट्रेनिंग उनकी इलाहाबाद और फिर नासिक में हुई। 6 महीने इलाहाबाद में होती है, 6 महीने नासिक में। नासिक के अंदर एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ से वो पास आउट हुए और एक पायलट के रूप में बाहर आए जी। और उसने वहाँ पर अपने 3 साल की पोस्टिंग उसने वहीं पर निकाली। इस बीच में उसने अपने सारे जो कोर्सेज होते हैं पूरे किए थे, जैसे कमांडो होता है, जेसी होता है, बहुत सारे इन लोगों के कोर्सेज भी आते रहते हैं। उसने अपने लाइफ के सारे कोर्स भी अच्छे से उन्होंने पूरे किए, और ये कहूँगी कि लेफ्टिनेंट कमांडर तक के एग्ज़ाम भी उसने अपने आप में क्लियर कर लिए थे, जो एग्ज़ाम क्लियर करने में लोगों को समय लगता है जी, उस चीज़ को भी उसने अचीव कर लिया था कि मैं लेफ्टिनेंट कमांडर बनूंगा, तब तक मुझे अब कोई एग्ज़ाम या कोई चीज़ मुझे नहीं देनी है। तो ये मुस्तफ़ा की शुरू से लेके अब तक की जो जर्नी थी, जो निरंतर अपने प्रयासों से, अपने डेडिकेट कहें कि उसके पीछे समर्पित रहने से, हर बात को वो पूरा करता गया और हर चीज़ को वो अचीव करता गया। लास्ट अभी जुलाई में जो उसकी ट्रेनिंग थी, जेसी की ट्रेनिंग, उसको वॉर ट्रेनिंग होती है उन लोगों की, उसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट के ही सभी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन एक इकलौता वही था जो कैप्टन की पोस्ट पे वो गया था, कि उस ट्रेनिंग को भी उसने कैप्टन की रैंक के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। जर्नी फैंटास्टिक थी, चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। एक जवान अभी जवान ही है, लेकिन ये कहूँगी कि उसने अपनी बुढ़ापे तक की जर्नी पूरी कर ली थी। फातिमा जी ने किस तरह से अपने बेटे की यादें हैं, किस तरह से वो सेना में भर्ती हुए हैं और किस तरह से उन्होंने एक लेफ्टिनेंट तक का जो मुकाम है वो हासिल किया, कोई भी माता जी यदि अपने बेटे के प्रति जो अपेक्षा रखती है तो वो शब्दों में क्या हो सकता है, वो हम फातिमा जी से जानते हैं। साहित्य की दृष्टि से और शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो छोटा मोटा मैं लिख ही लेती हूँ, और बेटा हमेशा मुझे मोटिवेट करता ही रहता था इस मामले में कि मामा आप लिखते रहिए, बहुत अच्छा लिखते हैं। और वो हमेशा अपनी टेबल पर मेरी डायरी भी रखता था। यही दिल के एक माँ के रूप में अगर पूछे तो, चाहे मैं कितनी भी हिम्मत बता दूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन अंदर से तो मैं एक माँ ही हूँ। एक बेटे की कमी, एक उसके होने पर मेरे आसपास जो सबल मिलता था, जो मुझे प्यार से वो गले लगाता था, मैं नहीं लगाती थी, वो मुझे प्यार से गले लगाता था कि डोंट वरी मम्मा, सब ठीक हो जाएगा, या चलो कुछ नया करते हैं। और दोस्त था मेरा, मैं तो ये कहूँगी वो दोस्त था, बेटा तो नहीं था, दोस्त था। तो वो हमेशा लिखता था इन्जॉय, चलो आज तूफानी करते हैं, इन्जॉय। और हम निकल भी पड़ते थे, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने बस चंद लाइनें ही एक बार ही लिख पाई हूँ, वो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। हर बार बेटे मेरे आकर पूछा था मुझसे, हर बार बोला माँ क्या चाहिए तुमको, सुनना चाहा था हर बार। तुम सामने होते फिर मेरे, तुमसे ज़्यादा क्या हो अरमान, तब न समझी क्या चाहूँ मैं। मेरे बेटे अब माँ तुझसे मांगे, एक बार फिर गले लगाकर माँ के अरमानों को पूरा कर, एक बार फिर आकर बेटे कर ले मुझसे तू थोड़ी बात, यादों में, यादों में जीना नहीं आता, बुला ले मुझको तू अपने पास। हर बार बेटे मेरे आकर पूछा था मुझसे, हर बार पूछा था हर से हर बार।
ये बीच में हमने एक भावात्मक थोड़ा सा सवाल ले लिया था, लेकिन एक माँ के लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन ऐसा फातिमा जी के साथ नहीं है। वे हमेशा अपने बेटे को बेटा नहीं बल्कि दोस्त मान के उनके साथ जीती रही हैं और अब उनकी जो यादें हैं उनको प्रेरणा स्रोत बना चुकी हैं। समाज में लगातार वे मोटिवेशन के जरिए इस समाज को, इस युवा पीढ़ी को सींचने का काम कर रही है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये मोटिवेशन जो हमारे इस सेगमेंट में है, ये एक दिन हम शहीद दिवस मनाएं और एक दिन हम वो कार्यक्रम करें और फिर अगले दिन उसमें कोई नहीं रहे, ऐसा या नहीं होगा। और इस कार्यक्रम के जरिए भी हम आज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहीद सैनिक के परिवार की जो बातें हैं उनको हम समाज में इम्प्लीमेंट करें, हमारे खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तभी हमारे समाज का और हमारे देश की जो रक्षा का है वो जज्बा हर व्यक्ति में, हर नागरिक में हो सकता है। हम फातिमा जी से कुछ और बात भी करेंगे, लेकिन कुछ बातें हम उनके पिताजी से करते हैं। शहीद सैनिक मेजर पुष्पा जी के परिवार से लगातार आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, 6 महीने के वक्त में क्या कुछ समाज को प्रेरणा के तौर पर सींचने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक पिता की बेटे के साथ किस तरह की अटैचमेंट रही है, किस तरह से एक बिजनेस के साथ में जब बेटा पिताजी के एक बिजनेस के साथ में बेटा जब सेना में अपनी सेवाएं देता है तो वे क्या सोचते रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं नमन करता हूँ भारत माता को जी, क्योंकि ये देश बहुत प्यारा है जी, प्यार करने लायक है। कभी सोचते हैं यार रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं तो क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वतन आने की इतनी खुशी होती है कि जब देखो तब वतन ही रहता है। मुस्तफ़ा ने जब NDA में जाने का प्लान बनाया तो मेरा दिल नहीं किया, तो हम लोग हर काम में सैयद साहब की पहले रजा लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर ही काम शुरू करते हैं। मैंने वहाँ हमारे जो हेड थे उनको एक अर्जी लिखवाई पेपर पे कि बेटा इस तरह से जाना चाहता है, उसमें ये भी लिखा गया मौला हमने इंजीनियरिंग के और दूसरे सारे कंपटीशन फाइट किए हैं, सब में मुस्तफ़ा ने क्लियर किया है, लेकिन ये NDA में उसने 1 लाख के अंदर 170 रैंक पाई है। अब उसका सपना है कि उसमें जाए, तो 2 महीने तक उसको परमिशन नहीं आई जी। जब लास्ट डेट आने लगी थी तो हम फिक्र में आ गए क्या करें, क्योंकि डेट निकल जाएगी उसके बाद एडमिशन होगा नहीं। लेकिन सैयदना साहब एक्टिव के मालिक है, उन्होंने सोचा होगा, लास्ट में 2 या 4 दिन बाकी रहे थे और साहब का मेरे को फ़ोन आया आप जल्दी से आइए, आपके लिए खबर है, बहुत अच्छी खबर है। मैं भाग के गया वहाँ पे, मैं हॉस्पिटल में था उस समय किसी काम से, मैं वह गया, उन्होंने मेरे को वो कॉपी बताई जिसके ऊपर परमिशन आई थी, बेनेक्शन विद लव लिखा हुआ था उस पर, ये आपको रजा दी जाती है और आप ये दुआ की जाती है आप NDA में जाइए। मेरी खुशी का तो पारावार न रहा, बच्चे को मैंने बोला था आप जाइए अब कोई बात नहीं। तो मेरी वाइफ जो उसकी माँ भी है, उसके फादर भी है वो, क्योंकि बचपन से उसने उसको चलना सिखाया, लिखना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, मैं तो निमित्त मात्र था। आज भी मैं यही बोलता हूँ मैंने सब किया है, मैंने पैसा भेजा तो सब मैंने किया है, ऐसा नहीं होता, पैसे से कुछ होता नहीं है, संभालना पड़ता है, जीना पड़ता है उसके साथ में, वक्त को देखना पड़ता है, आज घर में क्या कंडीशन है, तो मैंने तो पैसा भेज दिया संभाल लो, लेकिन पैसे से सॉल्व नहीं होती हर कंडीशन, तो उसकी माँ ने उसको संभाला है, उसको पहुँचाया है इस मुकाम तक, आज वो मेजर बना है। अब शहादत के बाद जब मैं वापस कुवैत गया तो हर कोई रास्ते चलते हुए मेरे को रोक के बोलता है, अरे यार बहुत नाम कर लिया, उसने अपना खुद का तो नाम किया, आपका भी नाम किया, अपनी कौम का भी नाम किया, अपने गांव का, मुल्क का और अपने पूरे देश में नाम किया। मेरा एक दोस्त है जो फ्लाइट से इंडिया आ रहा था, उसके बगल में कोई कैनेडियन लेडी बैठी थी, तो देख के उसने मोबाइल में सर्च किया तो उसने महाजन मुस्तफा को देख रही थी वो, तो मेरे पास में बैठा था दोस्त, ने बोला ये मेरा भतीजा है, वो बहुत प्राउड हुई, उसने उसको गले लगा लिया, अरे यार आप उनके गांव से उनके आपके उनके कहा लगते हैं,
बहुत एस्पायर हुई। मतलब ये कि मुस्तफ़ा ने सिर्फ नाम नहीं कमाया, मुस्तफ़ा ने नाम रोशन भी किया है। उसने अपनी कम्युनिटी में भी उसका हमारा नाम किया। मैं एक वाक्य बताता हूँ जी। मेरे फादर थे गुलाम अब्बास जी, उनको सरनेम पे मुल्ला लगाना बहुत पसंद था। काश उनको मुल्ला मिल जाए, यूँ बहुत कोशिशें की उसने, लेकिन उनकी अचानक डेथ हो गई, जल्दी चले गए वो। मुस्तफ़ा ने अपने जाने के बाद मेरे नाम के आगे मुस्तफ़ा मुल्ला लगा दिया। ये मेरे लिए और मेरे फादर के लिए भी गर्व की बात है। तो मुस्तफ़ा की तो अप्रोच मैं आपको क्या बताऊँ, मैं भले ही बिजनेस में रहा हूँ, मैं भले ही कुवैत में रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा मुस्तफ़ा की चौथ जुड़ा रहा था। अक्सर हमारी बातें होती थी और ज़्यादातर बातें चैटिंग में होती थी। मुस्तफ़ा का अगर फाइनल जवाब नहीं आता था तो एक जवाब तो आता ही था, डैडी आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, मैं अच्छा हूँ और मैं हमेशा अच्छा कर रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। वो चीज़ मेरे मोबाइल में अभी सेव है, मैंने उसकी एक फ्रेम भी बनाई है, उसको अपने घर में लगाया है जी। थैंक यू मुस्तफ़ा। इतना किया जाए और एक दूसरे के साथ में वो यादें हैं बांटी जाए, और जो एक शहीद सैनिक का जो जीवन होता है, जो वो जिस तरह से हमारी देश की रक्षा करता है, उसको लेकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहते हैं? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी गुरु पहले माँ होती है जी। माँ ने सिखाया, माँ ने चलना सिखाया, माँ ने दूध पीना सिखाया, तो एक तो वो गुरु हुई, फिर फादर तो गुरु हुए, फिर वो स्कूल में गया तो उसका तीसरा गुरु हुआ, और फिर जब धार्मिक कार्यों में जाता है तो कोई ना कोई उसका इंस्पायर रहता ही है, किसी से न किसी से वो हाथ। मुझे एक इंटरव्यू का एक वाक्या याद है, एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे गए होंगे उसमें, एक बच्चा जो इंटरव्यू जा रहा था, टाइम बहुत कंजेस्टेड था, वो पहुँच भी नहीं पाया था उस समय जी। उसको लगा मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर से जब इंटरव्यू थर्ड फ्लोर पे था, उसमें चढ़ रहा था तो सीढ़ियों में कई लाइट लगी हुई थी, दिन था, तो उसने वो लाइट का स्विच ऑफ किया। सबसे पहले उसने लाइट का स्विच ऑफ किया, फिर उसको कहीं एक नल, ग्राउंड में नल एक गार्डन में चलता हुआ दिख गया था, पानी बेकार घुट रहा था, तो उसने वो नल भी बंद किया। फिर ऊपर गया, तब तक उसको 5 मिनट लेट हो गया था। जब उसको नंबर पुकारा गया तो उसने, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में इंटरव्यूज वाले सारे देख रहे थे कौन बच्चा कैसे आया, क्या करता हुआ आया जी, उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, उससे सिर्फ यह कहा पैसा कितना पैसा लोगे इंटरव्यू ज्वाइन करने के बाद, अब ये बताइए कितना पैसा लेंगे। सर मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं अभी तक। नहीं, आपका इंटरव्यू हो चुका है। उसने अपना अमाउंट बताया, उसको सेलेक्ट कर लिया गया, वो सेलेक्ट हो गया। फिर उन्होंने बताया, हमने देखा है आपने नीचे आते हुए एक नल को बंद किया जिसमें से पानी जा रहा था, आपने सीढ़ी में चढ़ते हुए एक लाइट को ऑफ किया है जहाँ बेकार में जल रही थी, तो आपने संस्कार सीखे हुए हैं, ये संस्कार आपको काम आएंगे, ये संस्कार आपको आगे ले जाएंगे, आप हमारे काम में काम करोगे, डेफिनेटली हमें मालूम है हमारा भला करोगे, अपना भी भला करोगे। तो इस तरह से एक बच्चा माँ से सीखता है। मैं ना यू से यही कहूँगा कि अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं, और देश सेवा तो करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज भी है, धर्म भी है, माटी का कर्ज चुकाना चाहिए, तो अगर रास्ते में कोई कचरा पड़ा तो उसको उठा के साइड में डाल लीजिए। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो इंतज़ार कीजिए अपनी बारी का, अगर रेड लाइट है तो आप ग्रीन की वेट कीजिए, आप उसको ओवरटेक मत कीजिए, आप हेलमेट लगाइए, आप स्कूल जा रहे हैं तो डिसिप्लिन से जाइए, साफ सुथरे होके जाइए, जो गुरु कह रहा है उसको सुनिए समझिए, बंगा मत मारिए। ये सब चीज़ें अगर आप अप्लाई करो करते हो ज़िंदगी में, तो निश्चित रूप से एक आप अच्छे इंसान बनेंगे। आप देश सेवा कर रहे हैं, आप देश सेवा ही करेंगे। आर्मी में जाना हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक को पॉसिबल भी नहीं, हर एक जा भी नहीं सकता, तो ऐसे भी रह के आप देश सेवा कर सकते हैं। आइए कदम बढ़ाइए। आज जो हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं उसका हिस्सा बनिए, हमें सहयोग दीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, लोगों का जीवन बचाइए। डोनेट ब्लड सेव लाइफ, इट इज़ अ फंडामेंटल। दोस्तों, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि एक बेटे की याद में किस तरह से लगातार सामाजिक सेवाएं, सामाजिक कार्य जो है वो आगे बढ़ाए जाते हैं, और किसी भी ट्रस्ट की जो है वो नाम रखी जाती है। लेकिन देखिए, शहीद
मेजर मोस्पा ट्रस्ट, इस नाम से ये ट्रस्ट अब संचालित हैं और विभिन्न सामाजिक कार्य जो है इसमें किए जाते हैं। हम फातिमा जी से जानते हैं मेजर मोस्पा की याद में किस तरह का ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट में क्या क्या काम होते हैं। अब 6 मंथ बाद अगर हम काम के आंकलन की बात करें तो किसी से छुपा नहीं है क्या क्या वैसे ही कार्य किए जा रहे हैं। इसकी ट्रस्ट की जो जैसे ही स्थापना हुई हमने कई लोगों से मोटिवेशंस स्पीकिंग कही, बातें की, और बच्चे अभी आ रहे हैं, 10th उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 12th कंप्लीट कर लिया है, सबसे बड़ी उसके मार्गदर्शन की हमने बात कही है। साथ में बच्चों को हमने NDA के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मोटिवेशंस दिए हैं कि वो अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से फाइट करें और कैसे आगे बढ़े। सेकंड, अपना आसपास जब सर्दी थी हमने ये काम तो पहले से ही शुरू कर दिया था। ट्रस्ट तो हमारी अभी ही लगी है लेकिन इससे पहले ही गांव में जाके बच्चों को कोई भी चीज़ का स्कूलों में स्वेटर वगैरह या कोई किसी भी तरीके से संबल देना, राशन देना या मदद करना, जो मदद किसी भी लेवल पर की जाती है। आप मदद के लिए कोई आंकड़ा नहीं है, आप मदद पैसे के रूप में करते हैं, आप धन के रूप अनाज के रूप में करते हैं। मैं तो समझती हूँ कि सबसे बड़ा अगर आप कहें कि किसी को हिम्मत देना है वो है बातों का, यू डोंट वरी मैं हूँ ना, ये मैं हूँ ना शब्द जो है ना वो बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इंसान जब चल रहा होता है और अकेला होता है और अगर कोई कह दे कि चल यार मैं भी हूँ तो फिर वो सफ़र एकदम से आसान हो जाता है, चाहे वो किसी भी मंजिल की तरफ जा रहा हो। तो मेरा मोटो तो सबसे पहले है कि हर चीज़ के लिए मैं हूँ, आप कुछ भी चीज़ आइए मैं हूँ आप सबके लिए जी। कार्य करने की बात है तो डेफिनेटली मैंने पहला अपनी ज़िंदगी का भी पहला स्टेप यही था कि आर्मी में जाने का कदम उठाना और अपने बच्चे को जिस तरीके से मोटिवेट किया और आगे जाके जो बच्चे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उसका मार्गदर्शन क्या रहेगा, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग चाहे मेरे बेटे ने की हो लेकिन उसके साथ चल के उसके आने वाली कठिनाइयों को मैंने भी फेस किया है। तो मैं आपको पहले से बता सकती हूँ कि उस ट्रैक पे चलने पर आपके साथ क्या होगा या आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करनी चाहिए, या कहूँ कि मैं मुझे उस मंजिल का पता है कि उसका सफ़र तय करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जानी चाहिए। तो मैं यही चीज़ें आप सबको दूंगी कि आप उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने बैग के अंदर कितनी हिम्मत रखनी है, कितनी ताकत रखनी है, कितना पैसा रखना है और कितना मोटिवेशन रखना है और कौन कौन आपके साथ चलेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। ट्रस्ट के द्वारा एक और चीज़ की जाएगी, महिलाओं को रोज़गार देना। महिलाओं को रोज़गार के लिए पहली पहल ये होगी कि हम घर में रहके वो सबसे पहले सिलाई कर सकती है। इसका हम सबसे ज़्यादा इस पर काम करेंगे कि सिलाई मशीन हम उनको अवेलेबल करें ताकि वो अपने घर में अपना गुजारा घर में रह के कर सके। मैं मिडिल क्लास पर ज़्यादा वर्क करना चाहूँगी, मैं कहूँगी मिडिल क्लास में होता क्या है कि हम कह नहीं पाते हैं। ये फेज़ हमको कोविड के समय बहुत अच्छे से अनुभव हुआ, हमारे पड़ोसी से अनुभव हुआ, हमारे परिवार से, मैं तो ये कहूँगी कि अपने आप में भी अनुभव हुआ जी। कि कोविड का जो समय था हम मिडिल क्लास किस तरीके से जूझ रहे थे, ना हम सड़क पर जा पा रहे थे और ना ही हमारे लिए कोई चीज़ आ पा रही थी। तो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत होती है हिम्मत की, उसी वक्त चीज़ें करने की। जैसे कि बच्चा 10th 12th पास कर दिया है, उसको इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर नहीं करनी है, या छोटे से लेवल पर कोई भी चीज़ करनी है, परिवार के पास उस वक्त पैसा नहीं होता है, उस वक्त वहाँ जाके वो परिवार टूट जाता है या अपने डिसीजन को चेंज करता है। आप चेंज मत कीजिए, अगर आपके बच्चे में क्वालिटी है और आपको वहीं भेजना है तो आप मेरे पास आइए, मैं उसमें वर्क करूँगी, आपको सबल दूँगी, दो तरीके से दूँगी। एक तो आपको हमारे में बोलते हैं कर्ज हसनात जी। कर्ज हसनात का मतलब यह होता है कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं एक कुछ पीरियड्स के लिए, या तो वो आपको किस्तों में वापस कर देगा लेकिन ये होगा बिना ब्याज का पैसा, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट हम आपकी मदद करेंगे और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो हम उस बारे में भी डेफिनेटली सोचेंगे, अगर हम इतने भामाशाहों से जुड़ सके और उन्हीं भामाशाहों ने हमारी मदद की तो हम उनके लक्ष्य को हमारी ट्रस्ट के माध्यम से पूरा करेंगे, क्योंकि हर भामाशाह अपना एक लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे मेरा पैसा इस चीज़ में खर्च करना है कि मैं किसी की फीस के लिए करूं, या हर भामाशाह सोचता है कि मैं किसी गरीब को कपड़े दूं, लेकिन वो भामाशाह पहुंच नहीं पाता है उस जगह तक। हमारी ट्रस्ट उन्हीं भामाशाहों को साथ में लेके उनके लक्ष्य को हमारे माध्यम से पूरे करेंगे। सबल उनका होगा, ट्रैक हमारा होगा और मंजिल
डेफिनेटली वही है जहाँ पर वो पैसा पहुँचना चाहिए और वो चीज़ करनी चाहिए जी। ट्रस्ट एक और ख़ास चीज़ करेगी अपने आप में, वो है छोटे बच्चों को मार्गदर्शन देना। बच्चा एक बीज होता है जो अंधेरों में डूबा होता है, उसी तरह जिस तरीके से अभी मेरी ट्रस्ट अंधेरे में है, नीचे है, ऊपर आएगी, ग्रो करेगी और पेड़ के रूप में आप सबको जो हिम्मत देगी। और बच्चा ट्रस्ट आपके अंधेरे में नहीं है, ये ट्रस्ट अभी भी उस युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम कर रही है और आगे भी एक बहुत बड़ा वटवृक्ष के रूप में इस समाज को सींचती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जज्बा ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए जी। और मैं अभी ज़मीन से ही हूँ और ज़मीन में ही रहना चाहूँगी, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं एक पेड़ रूपी आगे बढ़ूँगी और आप सबको छाया और सबल दूँगी। और बच्चा भी वही चीज़ होता है, बीज होता है। बच्चे को आप किस तरीके से परवरिश कर रहे हैं, ये इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली बात होती है। उसकी परवरिश हमारा घर ही होता है, उसका स्कूल कोई बड़ा कैम्ब्रिज स्कूल नहीं होता है कि जहाँ से बच्चा सीखता है या पढ़ता है। स्कूल हमको 6 घंटे की ट्रेनिंग देता है, लेकिन माँ बाप उसकी 24 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। मैं इस पर सबसे ज़्यादा वर्क करूँगी, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी तभी सब अच्छी होगी जब हमारा बीज अच्छा होगा, बीज को सही तरीके से हमने सींचा होगा। आज का बीज अगर कहें ख़राब हो रहा है तो सोशल मीडिया और मोबाइल से। हम देखते हैं कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त भी मोबाइल बता रही है। माँ को पता है कि बच्चे को चुप करना है, लेकिन शायद उस माँ को पता नहीं है कि मुझे कैसे चुप करना है। पहले हम पुराने ज़माने में तो बच्चा पहले भी रोता था, आज के बच्चे नहीं, बच्चे तो सभी रोए हैं, लेकिन पहले की माएँ जब बच्चा रोता था ना तो उसको अपने घर के आंगन में लेके जाती थी, गांव में पड़ोसियों के पास में लेके जाती थी और वहीं बैठ के खिला देती थी। और बच्चा पड़ोस में जाके, कहते हैं ना पड़ोस में जाके तो बच्चा ज़्यादा खा लेता है। आज हमने ये कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया है, हमको पता ही नहीं है हमारे पड़ोस में कौन रहता है। आपके पास बच्चा है तो अपने पड़ोसियों से जुड़िए, अपने बाहर के वातावरण से जुड़िए। आप अपने बच्चों को कहीं नहीं तो अपने टेरेस पर ले जाइए, टेरेस पर ले जाके खाना खिलाइए, वो बच्चा खाएगा क्योंकि कोई भूखा नहीं रहता। लेकिन बच्चों को मोबाइल की आदतों से, शॉर्टकट से, उस शॉर्टकट से दूर हो जाइए। लाइफ इज नॉट ए शॉर्टकट, आपको वो जर्नी आपको तय करनी है। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो आपको पता नहीं आगे हो सकता है कि वो रास्ता बंद हो और आप अंधेरे में डूब जाए। और उस बीज को हम सींचेंगे, हम उस पेरेंट्स से उन काउंसलिंग के जरिए, उनकी ज़रूरतों के जरिए, अगर आप ये कहें कि हम हमारे बच्चों को आपने हमको बता तो दिया कि हम हमारे बच्चे की परवरिश खिलौनों में या कोई अच्छी चीज़ देके करें, तो हम ला नहीं सकते, तो हम उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास खिलौने खेलने के लिए नहीं होंगे, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए होंगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे मेंटेलिटी गेम्स आते हैं। या एक लाइन में अगर इसको डिस्क्राइब करूं कि आपको लगता है कि मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है, तो मैंने कैसे की है ये मैं अब आप सबके साथ शेयर करूँगी। भूलकर अब नए सिरे से एक समाज में लगातार उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए ये यहाँ से शुरुआत की जा रही है। और ये एक मोटिवेशनल ये जो इंटरव्यू है इसमें फातिमा जी हमें सारी बातें बता रही है और हम सबको करना भी यही पड़ेगा, तभी शहीद सैनिक के जो हमारे देश के प्रति सच्ची रक्षा का जो एक हम देखते हैं, एक स्वप्न देखते हैं, वो भी साकार करना उचित होगा। आपने कहा कि हम बच्चों में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिफेंस नहीं है, वो आपको अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बनाता है कि मैं इस बात का जवाब दे सकती हूँ, चाहे वो कह रही हूँ बोलने से है, करने से है, या वो कहते हैं ना पूरी तरह ख़त्म कर देने से है कि भाई तुम मुझे हाथ तो लगा के देख, ये वाली बात। और वाकई में हर लड़कियों में, ख़ास तौर से आज के माहौल को हम देखते हैं कि जिस तरीके से कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती है जिससे हमारा दिल दहल जाता है कि इस तरीके से कैसे हुआ, इसमें दोष दोनों तरफ का है। माँ ने शायद अपने बेटे को समझाया नहीं कि तुम किस रास्ते पे जा रहे हो, और बेटी को भी माँ ने समझाया नहीं कि बेटी वो रास्ता गलत था। तो ये
माँ तो दोनों बच्चे, बेटा किसी अलग कोख से पैदा नहीं होता, बेटी अलग कोख से पैदा नहीं होती, लेकिन जहाँ आप बेटी को बाहर जाने से रोकते टोकते हो ना, उससे अच्छा तो ये है कि आप अपने बेटे को समझाइए कि कोई लड़की जा रही हो ना तो उसको कैसी सुरक्षा दें। तो ये सारी चीज़ें होगी नहीं, घर ही हमारा आधार है जी। परिवार ही हमारा जीवन है, लेकिन माँ हमारी रीढ़ की हड्डी, माँ हमारे स्वाभिमान है। माँ अगर उसने बच्चे को कुछ सिखाया है तो उसको ऐसे घटनाएं होने में, और मैं समझती हूँ घर सब ये कोई चीज़ हमारे देश में और इन चीज़ों की तैयारी करनी ही नहीं पड़ेगी, लेकिन पहल, हाँ शुरुआत तो करनी ही है। तो हर माँ को अपने बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, उससे उसमें उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और चीज़ों को जवाब देना। और बेटियाँ जब आपके घर आती है ना, तो उसकी दो मिनट उनकी बातें भी सुनिए। बेटा जब घर आता है तो उससे पूछिए कि वो कहाँ गया। ये चीज़ें हम करते नहीं हैं, बच्चे आते हैं अपने कमरे में चले जाते हैं, नहीं, आप उनके साथ बैठिए, आप उनके साथ समय बिताइए। मैंने कहा ना, ये कम्युनिकेशन हमारा फास्ट, एकदम कहते हैं ना कि एक शॉर्टकट, ज़िंदगी की सारी चीज़ें शॉर्टकट, इस शॉर्टकट पर न जाइए। अपने पेरेंट्स को याद कीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश कैसे की थी, शायद उसका एक हिस्सा आप पूरा करेंगे तो आपके बच्चे भी बिल्कुल, आप अच्छे हो ना, अगर एक पेरेंट्स कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की की है, आपने तरक्की कर ली क्योंकि आपने आपके पेरेंट्स ने सिखाया था, लेकिन आपके पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया वो बच्चे को सिखा। और हाँ, अगर किसी पेरेंट्स का ये एक्सक्यूज़ होता है कि सॉरी हमारा बच्चा सुनता नहीं है, मानता नहीं है, तो ये उसके सुनने और ना मानने की वजह भी आप ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की जी। आपको उसकी नीड को समझने की कोशिश नहीं की, या आपने उसको समझानी, ये कम्युनिकेशन भी आपका ही है। जैसे कि वे कहेंगे हमारा बच्चा बाइक लेके चलता है, मेरी बात सुनता नहीं है, लेकिन बाइक लेके चलता है, लेकिन क्या कोई बात नहीं, बाइक लेके गया, लेकिन बाइक के साथ उसकी सुरक्षा की चीज़ें क्या आपने अपने बेटे को समझाई, या आने के बाद उससे पूछी कि बेटा आपने कौन सी स्पीड में अपनी गाड़ी चलाई, या आपने अपना हेलमेट अपने साथ में लिया था। बस एक यही चीज़ है जो हमारे परिवार से शुरू होती है। और हाँ, हमारी बच्चियों को सबसे ज़्यादा लड़कियों को, आज मैं भी लड़की हूँ, आज मैं अगर इतनी बातें कर रही हूँ, और बातें क्या कर रही हूँ मैं, अगर आपको मैं कहूँ ना कि सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज़ में ऐसी धमक रखती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे माँ बाप ने मुझे दी, मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, और मेरे बेटे को तो आपने देख ही लिया है। तो ये तो चीज़ें हैं, आप एक कदम बढ़ा के देखिए, बच्चे, देश, सारी चीज़ें। कहते हैं पहले परिवार सुधरेगा, फिर समाज सुधरेगा, फिर गली मोहल्ला सुधरेगा, फिर गांव सुधरेगा, फिर आपका जिला सुधरेगा, फिर आपका राज्य, और फिर देश। तो कहते हैं ना कि देश बदल रहा है, खाली कहने से नहीं बदलेगा, परिवार से देश बदल रहा है। मेरे ख्याल से आप, हमारा नारा ये होना चाहिए कि अब परिवार से देश बदल रहा है। देश अपने आप नहीं बदलता है, परिवार से बदलता है। तो परिवार को हम अच्छा बनाएं, हमारे परिवार में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, ये कहने का जज्बा और ये चीज़ें हम रखें तो ये शायद चीज़ें नहीं होगी। और ख़ास अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, बेटियों को तो शिक्षा देने का आज जनमानस में अलग जगह ही रखी है, लेकिन साथ साथ हम अपने बेटे को भी जी जगाने का, उसको शिक्षा देने का चलाएं। को बच्चों को, अगर आप बेटे को अगर कोई और ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि गलत शिक्षा दे रहे हैं जनाब, अपने बेटे को भी सुधारिए। इसलिए बेटे को नहीं, बेटे और बेटी दोनों को सुधारिए, दोनों को सबल दीजिए, दोनों को अच्छे से इक्वल रखिए। बड़े बोल तो नहीं कहूँगी, अगर मेरा बेटा मेजर है तो मेरी बिटिया भी डॉक्टर है, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों ही एक है। मेरा घर, मेरा परिवार ही इस चीज़ में अपने आप में रहता है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, मुझे आपके साथ चलना है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये संस्था, ये ट्रस्ट हमारे लिए कुछ कर रही है, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे सबल दीजिए। ये शहीद मेजर मुस्तफ़ा, ये जो शहीद शब्द है, हम जानते हैं ये अपने आप में बड़ा है। हम जैसे कि शहीद दिवस पे आता है हम सैल्यूट कर लेते हैं, लेकिन इस शहीद शब्द को अपने सीने में ज़िंदा रखिए। शहीद तब नहीं मरता जब वो उस दिन वो शहीद होता है। एक शहीद तब मर जाता है जब उसके बारे में अगर बोला जाए और कौन पूछ ले कि अरे यार किसकी चर्चा कर रहे हो, ये कौन है ये,
तभी वो शहीद मर जाता है। अगर शहीद को अमर रखना है तो उसकी चर्चा और उसकी बातों को भी अपने दिलों में ज़िंदा रखिए, उसी तरह अपने बच्चों में परवरिश कीजिए, उसको भी उसी तरह बनाइए जिस तरीके से हर माँ अपने बच्चे को देशभक्ति के साथ अगर आपने कोई चीज़ सिखाई तो ना कोई क्राइम होगा, ना कोई चीज़ें रहेगी, आपकी बेटियां सुरक्षित रहेगी। मैं तो ये कहती हूँ बेटे को अगर कोई अच्छी शिक्षा देने का मतलब ही यही है कि आपने अपनी बेटी को सुरक्षित कर लिया। बेटे को शिक्षा देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बेटे को कोई नई चीज़ सिखा दी है। मैं तो ये कहूँगी कि आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बेटियों की भी सुरक्षा दे दी। तो बेटे को शिक्षित कीजिए, बेटों को अपने आप में समझाइए, बेटों को अपने दायरे सिखाइए और बेटियों को अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहने के और बेटे के साथ बराबर चलने का जज्बा सिखाइए। क्योंकि जब दोनों बराबर चलेंगे ना तो दोनों की भावनाएं एक जैसी होगी, दोनों की इज्जत एक जैसी होगी और दोनों में होने वाली चीज़ें अपने आप में वो खुद भी समझ जाएगा कि मेरा दायरा क्या है और बिटिया भी समझ जाएगी कि मेरा दायरा क्या है। ये चीज़ें ख़त्म होगी, लेकिन होगी अपने परिवार से। अगर 5 परिवार ऐसे मिलते हैं कि हमने हमारी बेटियों को ऐसा सबल दिया है तो ये मेरे लिए प्राउड की बात होगी, आपके लिए प्राउड की बात होगी और हम एक एक 5-5 परिवारों को इसे जोड़ते जाएं जी। तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि हम मोहल्ले में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की कि हम ये चीज़ दें, हम मोहल्ले को नहीं लेके चलते, हम एक परिवार को लेके चलते हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक परिवार में जाएंगे किसी भी परिवार में और हम कहेंगे कि आपकी 5 बेटियों को हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। वो परिवार अपने परिवार के साथ, जैसे कि कहते हैं ना कि एक गोत्र से दूसरा गोत्र जुड़ा ही होता है, तो हम फिर तो हमें उस मोहल्ले को सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है। हम मोहल्ला नहीं, पूरा समाज ही नहीं, हमारा पूरा देश अपने आप ही इस चीज़ के साथ जुड़ जाएगा। हमें यही करना है और बेटियों के साथ चल के साथ में बेटों को भी लेके चलना है। मदर्स डे पर हम जिक्र करें तो बेटी को भी आपने बेटे के रूप में ही रखा, वह भी आपकी दोस्त हैं और आपने जो टिप्स उनके अंदर भरी हैं, उनको जो टिप्स दी हैं वो अब समाज के भी सामने हैं। क्या कहती हैं मदर्स डे पर? ये मदर्स डे तो एवरी डे होना चाहिए जी। लेकिन हाँ, मुझे उस मदर्स डे पे मुझे बहुत अच्छा प्रिविलेज मिलेगा। मैं उस दिन घर का कोई काम नहीं करूँगी। मेरी बिटिया मुझे बहुत अच्छे से रखेगी, ये सारी चीज़ें तो होगी डेफिनेटली। वैसे वो हमेशा करती है मेरे लिए। हाँ, और मेरा करने का है तो आज मेरी बिटिया डॉक्टर तो बनी चुकी है, लेकिन उसकी बस चेटक तक आती है और मैं खुद उसको बस पे लेने जाती हूँ और सुबह छोड़ने जाती हूँ। आज भी मैं अपनी बिटिया के साथ चलती हूँ। मैंने कहते हैं ना कि परिवार ही अपने आप में एक आधारशिला होता है। तो आप अगर पूछिए कि आपने इतनी ज्ञान की बातें कर दी मैडम, लेकिन आप अपने परिवार के लिए या चीज़ों के लिए, तो डेफिनेटली आप 3 बजे मुझे चेटक पर देखेंगे अपनी बिटिया को रिसीव करते हुए। और चेटक मेरे घर से सिर्फ मात्र एक 30 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है। बिटिया पैदल चलकर भी आ सकती है, लेकिन नहीं, मैं उसको छोड़ने जाती हूँ बस जहाँ होती है और उसको मैं लेके आती हूँ। ये तो हो गई बात अपने परिवार से और उस मदर्स डे पर अपनी, मैं तो ये कहती हूँ मदर्स ही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी मदर्स डे पर हर बच्चे के लिए अगर एक माँ कोई आह्वान करना चाहती है, कोई बात कहना चाहती है ना, तो बस इतना ही, सच में अपने माँ बाप की इज्जत करो। अगर आप इज्जत करोगे ना, आपकी जो इज्जत है ना वो अपने आप आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं करनी पड़ती है, उसको इज्जत मिल ही जाती है। इसका स्वरूप मेरा बेटा है कि वो मेरी बहुत इज्जत करता था। मैं ये कहूँ कि मैंने कभी झुककर जूते नहीं पहने। अगर वो मेरे साथ है और मैं हमेशा शूज़ ही पहनना पसंद करती हूँ, तो उसके सामने अगर मैं झुक के अगर अपने शूज़ पहन रही होती तो वो पहले मेरे झुक जाता था कि वो पहना देता था। और यही चीज़ मेरी बिटिया भी मेरे लिए करती है, मैं ये कहूँगी। तो माँ बाप की इज्जत करो। ये मदर्स डे नहीं है, ये एवरी डे है। क्योंकि उस माँ ने आपको पैदा किया है, आपको उस तरीके से संभाला है, गोदी में आपको लिया है। आपके पेरेंट्स अगर बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हुए तो उसके हाथ पैर ही बड़े हुए हैं, बस चीज़ें चेंज हो गई है। पहले आप उसकी गोद में थे, आज वो आपकी गोद में आ चुके हैं। अगर एक निवाला एक 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 बार उसको कि माँ आज आप ठीक हो, अगर आप किसी बूढ़े माँ बाप को ये पूछ लेते हो ना, यकीन मानिए जब आप गीला बिस्तर करके रात को रोते थे ना, और एक पल में जो आपकी माँ उठ जाती थी ना, उसको उस बात के लिए गर्व महसूस होगा कि थैंक यू, मैंने इस बच्चे को इतना बड़ा किया और आज ये मेरी एक आवाज़ पे, बेटा अपन आवाज़ लगाते और हाँ माँ ये जो सुनती है ना, इसमें उसका सीना और उसका जीना भी
सार्थक हो जाता है। मेरा सोचना ये है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, आप एक काम कीजिए, हर दिन को अपनी एक लाइन में लिख लीजिए और गूगल कीजिए, तो आपको शायद हर एक दिन में एक शहीद कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अगर 365 दिन ही अगर शहीद हुए हैं हमारी रक्षा के लिए सैनिक, तो फिर हर दिन ही शहीदी तो हुआ, क्योंकि हमने किसी मुस्तफ़ा का जैसे 21 अक्टूबर का डे था, तो हम वो 21 अक्टूबर जस्ट शहीद दिवस नहीं है, ये तो 21 अक्टूबर की डेट उसके लिए एक शहीद दिवस के रूप में हो गई है। तो 365 दिन में 365 ही नहीं, हमारे कई वीर जवान शहीद हुए हैं। मैं आसाम राइफ़ल्स में गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था कि 1500 उनके अब तक शहीद हो चुके हैं, उनकी लिखा हुआ था। तो मैं तो सिर्फ एक आसाम राइफ़ल्स की बात कर रही हूँ, हमारी तो कई बहुत सारी रेजिमेंट्स है, कई चीज़ें चल रही है, शायद आज भी हमारी सीमा पर कोई ना कोई सैनिक शहीद हुआ होगा, तो फिर आज का भी तो दिन शहीद दिवस ही हुआ ना। तो 365 दिन ही शहीद दिवस है, मनाने की बात है तो वो हम इसलिए मना लेते हैं शायद कि किसी एक दिल में उसकी अलग जगा सके, किसी एक दिल में उस चीज़ की भावना जगे, क्योंकि उस दिन शायद 100 लोग इकट्ठे होते हैं और एक इंसान शायद दिल से सैल्यूट कर रहा होता है, और उसी एक को चुनने के लिए हम वो शहीद दिवस मनाते हैं। कोई भी डे होता है तो इसीलिए होता है कि शायद उस डे के, कहते हैं ना, आज के दिन की तो वैल्यू समझ ले भाई, कुछ अच्छा कर ले जी। तो ये वही एक दिन है जिसके लिए हम ये कह देते हैं कि भाई आज के दिन तो कुछ अच्छा कर लें, पर 365 दिन ही अच्छे होने चाहिए, 365 दिन ही मदर्स डे होना चाहिए, 365 दिन ही फादर्स डे होना चाहिए, 365 दिन चिल्ड्रन डे होना चाहिए, हर दिन हर चीज़ हर बार होना चाहिए। और ये होता है अपने आप में, आप अपने आप में कहीं भी कोई भी चीज़ देखिए उसको सैल्यूट कीजिए, कहीं कोई चीज़ देखिए उसके लिए अगेन उसके स्टैंड लीजिए, सहयोग कीजिए, तो ये अपने आप ही वो डे आपके लिए सेलिब्रेट हो जाएगा, उस एक दिन का मोहताज नहीं रहेगा जी। हमारे उन भारतीय दर्शकों के लिए एक यह सेगमेंट है, दुबई में रहने वाले जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार हमें कमेंट भी करते हैं और हमारे जो सेगमेंट है उसके बारे में राय भी देते हैं। इस कंटेंट को आप ज़रूर अपने लोगों तक शेयर करिए, और जैसा कि मुस्तफा जी के पिताजी ने हमें ये बात बताई कि जब हम किसी के बीच में जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि अरे देश का बहुत नाम किया है, समाज का बहुत नाम किया है, तो ये सेगमेंट उन सभी लोगों के लिए हैं ताकि जो डेडिकेशन के साथ में माता पिता वर्क कर रहे हैं वो समाज के प्रति सच्चा समर्पण भी हो सकें। और दोस्तों राज न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सकें, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।